हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बसपो ट्रिपल वन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जितिया पर्व के बारे में। जितिया पर्व एक होता है हमारे भोजपुरी में, मतलब भोजपुरी लोग करते हैं उसे, तो इस जितिया पर्व के बारे में या जीवित पुत्रिका पर्व के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं, या किन लोगों को पता है आप लोगों में से, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आज है जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत पर्व, और इसमें होता यूँ है कि मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग पे ही बताया, इसमें मुख्य रूप से मछली जो होती है वो चढ़ाई जाती है, वो खाई भी जाती है। अभी क्या होगा कि तोरी होता, आप लोग तोरी बोलते होंगे शायद, तोरी और हम लोग भोल बोलते हैं, या झींगा, झिंगनी के पत्ता, तो इस पत्ते में क्या होता है, इन्हीं दोनों में से किसी एक के पत्ते में सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें जैसे रोटी, दाल, चावल एंड मछली, स्पेशली मछली, और मछली भी क्या मछली, पोठिया मछली होता है छोटा सा, तो वो चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद चढ़ाने के बाद हमें खुद भी खाना पड़ता है। उसके बाद खाने के बाद जब सूर्य उदय होगा उस वक्त से हमारा व्रत लागू होगा, उस वक्त से लेके नेक्स्ट दिन तक हमें बिना कुछ खाए पिए रहना होगा। और आगे और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी आप लोग को क्लैरिफाई नहीं कर पा रही हूँ, बाद में करूँगी। तो अभी क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हम लोग ये पर्व मनाते हैं, ये जानने के लिए आप ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है झींगा का पत्ता, जिसे हम लोग मतलब हमारी भाषा में झिंगनी भी कहते हैं। बताइए आप लोग पहचान पाए या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अब इस पर क्या क्या चढ़ेगा प्रसाद के रूप में, आप लोग देखिए। तो देखिए, रात में रोटी, ये मछली होती है, इस मछली को चढ़ाना होता है, इसे हम लोग पोठिया बोलते हैं। रोटी, चावल, पोहा, ये देखिए, वो दही है, इसपे और आपको जो मन हो और भी पकवान आप चढ़ा सकते हैं, दाल पूड़ी हो गया, कुछ भी आपको जो मन करे, अपने सामर्थ्य के ऊपर और अपने बनाने के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारी माँ ने क्या लिया है, दही और पोहा। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्या करें, ये पर्व है ही ऐसा। मुझे भी पहली बार जब पता लगा था तो मुझे बहुत अजीब लगा था, बट अभी ये खुद ये पर्व मैं कर रही हूँ पिछले 5 साल से। ये गुड़ के साथ उन्होंने मिक्स कर लिया है, चढ़ाया जा रहा है, देखिए झिंगनी के पत्ते में। यहाँ से रोटी चढ़ाया जाएगा,
दूसरी साइड में जो आप पत्ते देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ, वो उस पे मैं चढ़ाऊंगी, तो वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं जब कर रही होंगी तब कैमरा करने वाला कोई, वीडियो बनाने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि माँ को आता नहीं है। भाई सो रहा है, वो देखिए भाई सो रहा है। ये दाल है, अब दाल चावल चढ़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने भी चढ़ा दिया है झिंगनी के पत्ते में सारा प्रसाद। तो ये देखिए पूजा की जा रही है, धूप अगरबत्ती दिखाया जा रहा है। इसकी पूजा की क्या मान्यताएं हैं मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब घर परिवार के लोग बारी बारी से आके प्रणाम करेंगे। यहाँ हमारे बाबा ने कर लिया प्रणाम। अब यहाँ से इन सब चीज़ों को इकट्ठा, चढ़ाई हुई चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके किसी छत के ऊपर या किसी कहीं एक अच्छी जगह पर रख दिया जाता है, ताकि कोई चिड़िया या कोई पशु आके उसे ग्रहण। देखा आपने, ये पहला जो रूल होता है यही होता है सुबह का इस पूजा का, बारी बारी से इस पूजा के नियम के बारे में और इस पर्व के मान्यता के बारे में मैं बताती जाऊँगी आपको, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने सुना है। तो ये पूजा खास करके संतानों के लिए किया जाता है, अपने बच्चों के लिए खास करके किया जाता है, क्योंकि इस पूजा की कहानी ही ऐसी है। मैं आपको बताऊंगी, आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। इसके बाद अभी क्या हुआ, ये सब करने के बाद जो कुछ भी हमने चढ़ाया था वो हमें खुद भी खाना होगा। जी हाँ, वो हमें खुद भी खाना होगा, क्योंकि ये ऐसा नियम ही है। ये खाने के बाद से हम फिर दोबारा कुछ भी नहीं खा सकते। इस पे आप इसमें क्या है कि आप और भी बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, ले सकते हैं, चाय वगैरह जो भी है इस दौरान आप ले सकते हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर में बैठेंगे खाने के लिए, आप लोग भी बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप लोगों ने सुबह देखा हमने कैसे कैसे रस्म किए, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और हम अभी फ्रेश फ्रेश होंगे, तैयार व्यार होंगे, क्योंकि हमें 4:30 से 5 बजे के बीच ही हमें घाट, मतलब शाम होने तक हमें घाट पे जाना होगा, जहाँ पे नदी है, नदी के घाट पे जाना होगा। वहाँ हमें पूजा पाठ करनी है, वहाँ जीवित पुत्रिका यानी कि जीवितिया पर्व का कथा होता है। हम लोग वहाँ कथा कहते हैं, सुनते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, और वहीं पे कथा कही जाती है कि किस वजह से ये जीतिया पर्व मनाया जाता है। उसका मूल जो कारण है मैंने आपको सुबह ही बता दिया कि ये संतानों के हित के लिए, संतानों के लिए किया जाता है। तो इसलिए ये पूजा बहुत ही अहमियत रखता है हमारे लिए। हमारे बिहार साइड में इसे बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, बिहार झारखंड के इलाके में ये बहुत मनता है, और हमारे हम बिहारियों का, भोजपुरियों का ये मेन फेस्टिवल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि छठ, जैसे छठ पूजा मनाया जाता है हमारे यहाँ, वैसे ही ज्योतिया को भी मान्यता दी जाती है। तो ये दो पूजा जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और मैं करीबन कर रही हूँ इसे 2-3 साल से, मैं भी ये पूजा कर रही हूँ। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि आप क्यों कर रही हैं, तो मेरी भी संतान है, मतलब मेरी लीजा, मेरी बहन की बेटी, मैं उसके लिए करती हूँ। उसकी माँ तो करती ही करती है, मैं भी करती हूँ उसके लिए। सो आगे जो होगा देखा जाएगा। तो अभी तो हमारी बेटी है ना एक, तो उसी की सलामती के लिए, उसी की लंबी उम्र के लिए हम लोग ये करते हैं दोनों बहनें।
और इसके कुछ ख़ास तो इतने बड़े नियम नहीं होते, लेकिन जितने भी नियम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और थोड़ा सा आप लोग को सुन के तो अजीब ही लगा होगा सुबह जो मैंने बताया था, आई नो पहली बार मैंने भी सुना था कि मछली से पूजा है, ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा था, बट नियम यही है तो क्या किया जा सकता है। तो चलिए आप लोग भी चल दिए हमारे साथ घाट पे और वहाँ देखिए कैसे पूजा होता है, कैसे क्या हो रहा है। सो मैं भी जाती हूँ नहाने, तैयार होने, जितना जल्दी हो सके हमें घाट पे जाना है, घाट से वापस आना भी है क्योंकि घर पे भी पूजा करनी है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं घाट की ओर, और माँ भी वहाँ से रेडी होके आ गई है और हम लोग जा रहे हैं। आप लोग भी बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो गई हूँ। तो चप्पल कहाँ पे पहनता हो, चप्पल पहना, चलो। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग, लेट्स सी क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घाट पे, अभी तैयारी होने वाली है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि गाना प्ले हो रहा है, कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। बल्कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, बने रहिए, धीरे धीरे सारी तैयारियाँ होंगी। तैयारियाँ हो चुकी है, अभी मेरी सिस्टर नहीं आई है, मैं सिस्टर के लिए वेट कर रही हूँ, वो आएगी
वो भी अपना जो भी नियम है वो कर ले यहाँ पे सब, फिर बैठेंगे और कथा कहेंगे और सुनेंगे, आरती होगी। आप लोग भी बने रहिए। ये देखिए अभी सारी तैयारियाँ हो रही है। जिस जगह पे हम आए हैं इस जगह को बोलते हैं भूबिया पट्टी। फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई समाप्त, कथा वथा सब हो गया, पर मैं ही कथा पढ़ रही थी इस वजह से वीडियो नहीं कर पाई। जितना उठा जितना कर पाई उतना किया, मेरी सिस्टर ने किया है, तुमने किया है? चलिए देखिए कितना अंधेरा हो गया। मेरी बेटी अपने पिता के साथ है। ये देखिए यहाँ से पूजा समाप्त हो गई है, व्रत कथा समाप्त हो गई। अब हमारी बहन और लीजा जा रही है। लीजा फटाफट फटाफट तो वो लोग चले गए और अभी हम लोग भी जा रहे हैं घर। आ माँ चल रहा अब क्या था ना दूर तक। ये देखिए ये ताटा ही दिए। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 6। तो अब आज क्या है कि मेरा व्रत जो है वो तो शाम को ही ख़त्म हो जाएगा, पर इन लोगों का, इनकी सास नहीं है, मतलब नियम के अनुसार जिनकी सास नहीं है उन्हें कल मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग अपना व्रत तोड़ना होगा। उनका जो पारण का एक दिन आता है वो पारण कल होगा और मेरा आज ही, अगर अभी घर जाऊंगी तो मैं अपना व्रत तोड़ सकती हूँ। मेरी पूजा समाप्त हो गई, कथा मैंने ही पढ़ी और पूजा वगैरह सब हो गया। अब चलते हैं घर, देखते हैं क्या होता है। बाय द वे गुड इवनिंग सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे 4:42 हो रहे हैं। अच्छा तो मैं उठ गई थी, मैं 3 बजे करीब ही उठ गई थी और मैंने खाना वाना बना लिया है पारण के लिए, चावल सब्जी, अभी दाल चढ़ाई है। ये देखिए, वो देखिए कुकर में दाल चढ़ी हुई है और अभी मेरी माँ पूजा कर रही हैं, क्योंकि मैंने सुना है 6 बजे तक पारण करना पड़ेगा, पारण का मुहूर्त 6 बजे तक का है। तो कोई 4 बजे कह रहा है, कोई 6 बजे कह रहा है, 6 बजे तक मेरे हिसाब से 6 बजे तक पारण हो जाना चाहिए, सही रहता है। तो अभी हम लोग चलिए हम देखते हैं कि माँ पारण करती है कैसे करती है। मैंने मैंने पपीता की सब्ज़ी बनाई है और चावल बना लिया है, अभी दाल चढ़ी हुई है तो दाल हो जाएगा, 2-3 सीटियाँ लग जाए तो हो जाएगा दाल। अरहर की दाल है, माँ को बहुत पसंद है अरहर की दाल। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। Thank you.
ये देखिए जूतियाँ पहना दिया है माँ ने मुझे, और अब क्या है कि यहाँ से मैं माड़ गरम कर, मैंने माड़ निकाला था चावल से क्योंकि माड़ की ज़रूरत होती है। माड़ को हम क्या, मेरी माँ चढ़ाएगी, माड़ चढ़ता है पारन के दिन, तो इसे थोड़ा सा मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि गरम गरम ही चढ़ाया जाता है। तो मैंने कब का, 1-1.5 घंटे पहले ही मैंने चावल और सब्ज़ी बना ली थी, तो इसीलिए मार रखी थी, रखी रखी ठंडी होगी। तो फ्रेंड्स मैं अभी इस वीडियो को एंड करूँगी। माँ को मैंने अंदर खाना दे दिया है, वो अपना पारण कर रही हैं, अपना व्रत तोड़ रही हैं। तो क्या है कि इस दौरान उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता है, और वो कंफर्टेबल नहीं है अभी इस वीडियो के लिए, उस क्लिप के लिए, सॉरी उस क्लिप के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने वो क्लिप नहीं बनाई। तो वो अंदर अपना भोजन जो है ग्रहण कर रही है, अपना व्रत तोड़ रही है। तो यही होता है सारा नियम जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ होता है या होता होगा बिहार में तो मुझे नहीं पता। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं बचपन से, जैसे देखते आए हैं, जैसे सिखाया गया है वैसे ही करते हैं, तो यही सब कुछ है, ऐसे ही जूतिया पर्व मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।